केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के लिए जहां दुनिया के अलग अलग देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चिंता व्यक्त कर चुकी हैं, तो वहीं अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी केरल की मदद के लिए आगे आया है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कहा है कि विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित केरल में राहत और पुनर्विकास प्रयासों को मजबूती देने के लिए यूनिसेफ को $6 लाख दिए जाएंगे। एक न्यूज एजेंसी के माने तो फाउंडेशन ने बयान में बताया है कि इस आपात अनुदान का लक्ष्य सरकारी कोषों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विस्थापितों बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्विकास के लिए की जा रही पहल को मदद पहुंचाना है। यूनिसेफ गैर सरकारी संगठनों के साथ राहत प्रयास कार्यों में आगे आकर स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहा है। बयान में फाउंडेशन के वैश्विक विकास के अध्यक्ष क्रिस एलियास के हवाले से कहा गया है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने केरल के पिछले 100 सालों में आई सबसे भयंकर बाढ़ से प्रभावित हजारों परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता है। एलियास ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारे त्वरित एवं लचीले वित्त पोषण से यूनिसेफ को बाढ़ से संबंधित जल जनित बीमारियां और अन्य गंभीर स्वास्थ्य खतरों को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी।